तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन को और उसके टाइप्स को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे प्रोसेस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका सेट थ्योरी होता है, रिलेशन होता है, उससे रिलेटेड पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन आखिर होता क्या है। पॉइंट कह रहा है कि अ फंक्शन असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ रिलेटेड सेट। यानी जो फंक्शन है वो असाइन किया जाता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा, वो कम से कम क्या हो, एक एलिमेंट उस रिलेटेड सेट का पार्ट हो। उसका कह रहा है कि फंक्शन फाइंड देयर एप्लीकेशन इन द वेरियस फील्ड लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी जो फंक्शन है उसका हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेट करने के लिए कंप्यूटेशनल जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसके लिए, एल्गोरिथम के लिए, काउंटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में हम फंक्शन का यूज करते हैं। उसका अगर हम टाइप की बात करें तो तीन टाइप के मेनली फंक्शन आपको पढ़ने हैं। पहला आपका है इंजेक्टिव, जिसे हम लोग वन टू वन फंक्शन कहते हैं। दूसरा आपका है सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और उसके बाद तीसरा आपका है बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहां तक पूरा डिस्कस कर लिया। आइए हम इसके पार्ट के बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन के तौर पर देख लेते हैं कि इसके जो टाइप्स हैं उनको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड, जो हमारा पहला टाइप है वो है आपका इंजेक्टिव फंक्शन, जिसे हम लोग वन टू वन फंक्शन कहते हैं। तो ये किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, तो इसमें कह रहा है कि एफ फंक्शन एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी इज इंजेक्टिव फंक्शन इफ फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी। यानी प्रत्येक जो बी का सेट हो उसमें जो एलिमेंट हो बी का वो बिलोंग करे बी को, एंड देयर एटलीस्ट एटमोस्ट वन ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू टी। दिस मीन्स अ फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव इफ ए वन इज नॉट इक्वल टू ए टू implies that f of a1 is not equal to f of a2। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है f of x 5x के, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमने इंजेक्टिव को अच्छी तरीके से डिफाइन किया। अब हम देख लेते हैं हमारा जो दूसरा है वो क्या कह रहा है। फ्रेंड, जो हमारा सेकंड है वो है आपका सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि फंक्शन f such that a belongs to b is surjective or onto function if the image of f equals to its range। जब आपका फंक्शन एफ वो उसके रेंज में मौजूद हो तो उस कंडीशन में हम उस फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी, यानी प्रत्येक जो बी हो वो किस में बिलोंग्स करे, जो आपका सेट बी दिया रहेगा उसके एलिमेंट को बिलोंग्स करे। देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। दिस मीन्स डैट फॉर एनी वाई इन बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन ए सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। ये इसका एग्जांपल है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसमें लिखते जाइए इन चीजों को, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन में। आइए हम लास्ट देख लेते हैं, जो हमारा बाइजेक्टिव है वो क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, जो हमारा लास्ट है वो है आपका बाइजेक्टिव, जिसे हम लोग वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट भी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि फंक्शन एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू बी इज बाइजेक्टिव और वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट इफ एंड ओनली इफ एफ इज बोथ द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। यानी जो आपका फंक्शन हो वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं आपके फंक्शन के वो दोनों इसमें जो है वो बिलोंग्स करेंगे, यानी इसमें मौजूद होंगे। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। तो यहां तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।